बिहार राज्य के सिवान जिला थाना सराय क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में फरार 50,000 रुपए का इनामी आरोपी को रविवार को जामुल थाना पुलिस व हुसैनगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम ढौर से गिरफ्तार कर बिहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दुर्ग जिला की जामुल थाना पुलिस द्वारा बिहार राज्य के हत्या के एक फरार आरोपी को जामुल के ढौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी में बिहार पुलिस की टीम भी साथ रही। बिहार के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को हत्या की एक घटना को अंजाम दिया गया था। इसका आरोपी आफताब आलम घटना के बाद से फरार चल रहा था। बिहार पुलिस ने आरोपी आफताब आलम पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी आफताब दुर्ग जिले के जामुल में छुपा हुआ है। सूचना पर जामुल पुलिस तथा बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने दी। बिहार राज्य के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक हत्या हुई थी। उस पर से 92/2022 अपराध कायम हुआ था और इस पर 302, 307, 2527 की धारा लगी हुई थी। इसका जो मुख्य आरोपी है आफताब आलम मौके पर से फरार था और उसके खिलाफ बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। बिहार पुलिस की सूचना पर से जामुल थाना की टीम और बिहार पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसको आज जामुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और इसको भी ट्रांजिट रिमांड पर से बिहार ले जाया जा रहा है। यह बिहार पुलिस और दुर्ग पुलिस की संयुक्त सफलता है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपी आफताब आलम को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार भेजा जा रहा है। आरोपी आफताब को जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढौर से उसके भाई के घर से गिरफ्तार किया गया था। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार करने की गई कार्रवाई की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।